अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो है रिव्यू देने जा रही हूँ B&B प्रोडक्ट्स का। सो B&B का जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में जा रही हैं दोनों प्रोडक्ट्स इनकी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी इसका रिव्यू दूँ, आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। सो स्टार्ट करते हैं इनका। सबसे पहले फेस वॉश, तीन जो है प्रोडक्ट्स हैं, इन तीन से आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो करने लग जाएगी, ठीक है। आपके फेस पे जो है ना विद इन अ वीक टू वीक्स में आपका जो है ना स्किन जो है ग्लास स्किन हो जाएगी। सो ग्लास स्किन जो है आजकल तो बहुत जो है ना सबको चाहिए कि हमें हमारी ग्लास स्किन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो है फेस वॉश ट्राई करेंगे, देन उसके बाद स्क्रब। ये मैंने खुद भी ट्राई की हैं तीनों चीज़ें। तो हमने मैंने फेस वॉश जो है वो ले लिया थोड़ा सा अपने हैंड पे, ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना, बस जो है ना इतना सा आपने यूज़ करके उसको पहले हम 2 मिनट के लिए आपने अपने फेस पे जो है ना उसको स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद जो है ना आप इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही जो है ना वो क्रीमी सा टेक्सचर है, ठीक है। आप इसको 2 मिनट यूज़ करके उसके बाद इसको फेस वॉश कर देंगे इसके साथ, देन हम स्क्रब यूज़ करेंगे। तो स्क्रब में जो है ना वो हल्के से राइस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपने इसको 2 मिनट के लिए अपने फेस पे जो है वो स्क्रबिंग करनी है। स्क्रब करने के बाद हम उसको जो है 2 मिनट के बाद रिमूव कर देंगे। सो उसके बाद जो है मास्क जो है वो रेडी करने का जो है ना सबसे आसान जो है वो तरीका है इसका, कि आप इजी वे में किस तरह से जो है ना 2 चीज़ों से मिक्स करके आप इसमें ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून ले लें, आई थिंक सो फेस के लिए काफ़ी होता है इतना ही, और उसमें रोज़ वाटर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी जो है वो ड्राई स्किन है उसमें मिल्क कर लें। अगर ऑयली स्किन है तो आप उसमें जो है रोज़ वाटर मिक्स करके अच्छे से और उसको जो है अप्लाई करें अपने फेस के ऊपर, और 20 मिनट के बाद जो है ना 15-20 मिनट के बाद जो है इसको आप अपने फेस से रिमूव कर दें। होप सो यू लाइक द वीडियो एंड मस्ट ट्राई दिस अमेजिंग प्रोडक्ट्स।